साथ दी। पाकिस्तान के जितने आसपास की कंट्रीज हैं, बलूचिस्तान में खास तौर पर ये जो ग्वादर है, सीपेक का ये खत स्टार्ट होगा। फानस साहब आप भी बैठे हैं, हमारे मुख्तलिफ सीएम आए हैं, हम ये भी कह रहे हैं पिछले 5 साल 10 साल जो सीएम आए हैं, ग्वादर तो पोर्ट है कि मैं कहता हूं जब ये स्टार्ट हो जाए तो पूरा ममालिक आपके खास तौर पर जो ईरान के बॉर्डर है या चाबहार है फतराबाद है, ये सारी कोशिश कर रहे हैं कि ग्वादर पोर्ट सीपैक नाकाम हो। ये नाकाम इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर सारे जो कंट्रीज आपके दुबई वो भी बैक डाउन खत्म हो जाए ईरान है, खासतौर पर जब इंडिया के आंखें लगे हैं सीपैक के ऊपर, मुख्तलिफ साजिश मुख्तलिफ हरकतें कर रहे हैं। खुदारा बलोचिस्तान की आवाम ये खाली सीपैक वादा के लिए नहीं है, ये सीपैक सब बलोचिस्तान आवाम का, चाहे वो पश्तून बेल्ट है चाहे वो बलोच बेल्ट है, सब हमारे पास है, इससे सब फायदा उठा। मगर जब तक ये सीपैक का ये हालत इसी तरह जब रहेंगे हालत खराब होंगे, हम ये 5 साल 10 साल 20 साल ये ख्वाबें हैं कि ग्वादर ये होगा सीपैक ये होगा, ये ख्वाबें ये ताबीरें हमारे खत पूरे हो। जैसा हमारे मदर साहब ने कहा कि ये डीजल का वाकई डीजल तुर्बत से लेकर आपके दस्तान तक सारी बॉर्डर, उसमें आपके पश्तून आपके भूठा के आपके सब इलाके के सारे अवाम इस बॉर्डरों में है, इसी कारोबार की और कोई कारोबार ही नहीं। जब ये सीपैक इंशाल्लाह पार होगा, जब ये सीपैक तरक्की के राह में चलेगा तो हमारे अवाम इस डीजल से इंशाल्लाह जान छूटे दोस्तों का। पोर्ट जब होगा बलोचिस्तान ग्वादर में तो हम इस डीजल हमारे ऐसे ऐसे जैसे हमारे कमिश्नर तारिक शहीद हो गए और मजदूर के तकरीबन बसों में सवारते हो भी, ये हालतें ये शहीदें शहादतें हो रहे हैं, इसी वजह से अपने सुबह उठते हैं कहते हम अपने बच्चों के लिए क्या करें कहां से पैसे लाए, ये हालत है बलोचिस्तान का। फानस मिनिस्टर साहब दिलू साहब आप एक मुखलिस एक ईमानदार और खास तौर पर वादर तुर्बत आपका बेल्ट है आपका हल्का भी है, खुदा रहा आप वफाक से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि भाई ये जल्द अज जल्द ये हमारे सीपैक ये हमारे काम और ये जो डिस्ट्रिक्ट से ये गुजर रहा है वादर है तुर्बत है फिर मजदूर है फिर मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है मेरा हल्का जो होता है वाशुक वाशुक से नाग और बेसेमा बेसेमा से दो एक डायरेक्ट बेसेमा से फुस्ता अभी भी काम शुरू है, एक बेसेमा से सूरा कोटा की तरफ जा रहा है। मैंने कई बार मैंने कहा है जिस डिस्ट्रिक्ट में जो निमांदे हैं जो ट्राइब है वो अपने हल्के का जिम्मेदारी उठाए इस सीपैक का इस तरक्की का, इसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा दोस्तों भाइयों, चाहे जो भी हो जाए जब तक हम इस बलोचिस्तान और ग्वादर और सीपैक के लिए कुर्बानियों को नहीं देंगे ये कभी ये सीपैक ऊपर नहीं होगा और इस सीपैक आगे नहीं जा सकेगा। ये मैं आपको जहर से इसके लिए कुर्बानी दे कुर्बानी देने का वायदा